देवघर नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले मुकेश चौधरी को इन दिनों थाना के आसपास चक्कर काटते देखा जा रहा है। दरअसल उनकी बेटी किरण और पत्नी सुजाता पिछले 2 महीने से गुमशुदा है। मुकेश चौधरी ने इसकी जानकारी बाकायदा FIR करके देवघर नगर थाने में भी दी, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक देवघर पुलिस इनकी पत्नी सुजाता देवी और बेटी किरण चौधरी को ढूंढ नहीं पाई है। इस केस की पड़ताल कर रहे ऑफिसर यह दिलासा दिलाते हैं कि हम खोजबीन कर रहे हैं और पड़ताल जारी है, लेकिन मुकेश को निराशा ही हाथ लगती है। मुकेश चौधरी हार कर देवघर SDPO से गुहार लगाते हैं, लेकिन वहां भी इन्हें निराशा हाथ लगती है। SDPO पवन कुमार के पास इतना समय भी नहीं है कि इनकी समस्या सुन पाए। हालांकि लगातार .in ने भी इस बाबत SDPO से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी करने से इनकार कर दिया और यह भी कहा कि अभी जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो बता दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गरीब इंसाफ के लिए किस दरवाजे पर जाए ताकि कोई उनकी पत्नी और बेटी को ढूंढ कर ला दे। पैसा मेरे से बिना बताए मेरे साला से मंगवा लिया 50,000। उससे पहले मेरे साला से मंगाया था 50,000। उसके बाद फिर मेरा बीवी का और मेरा बच्चे सबका जेवर जितना भी था सब गिरवी रखवा के फिर बाद में भिजवा दिया। ये कौन किया? ये सब मेरा मामी और बिजनी कर। आपके अपने मामा मामी किए? तो बीवी और बच्ची कहाँ गुमशुदा है अभी? बीवी बच्ची मेरा गई थी उसका तगादा करने के लिए। हम उसको रात को बोल दिए थे कि सुबह जाकर उनको बोल देना कि आजकल बेटी कर रहे हैं तो हमको पैसा दे दीजिए, हमको ज़रूरत है तो हमको भाई को भेजना है पैसा। तो अभी बीवी बच्ची कहाँ है आपको पता है? मालूम कुछ नहीं मालूम, तब तो कोई खबर नहीं। आपको किस पर शंका है? मेरे उन्हीं दोनों पर शक है, मेरी मामी पे और बिष्णु चौधरी पे। मामी और मामा पे डाउट है? मामी और बिष्णु चौधरी मेरा भाई। अच्छा, उनका हाथ है ऐसा करने में? तो अभी आप कहाँ पर आए हैं? अभी SDPO हॉस्पिटल, यहाँ भी कई बार आवेदन दिए, एक दो बार। आप नगर थाना में कब आवेदन दिए थे? नगर थाना में 27 तारीख को दिए। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, वहाँ तो बोलती है सुरक्षा से चली गई, आके बोल देगा कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। आयु कौन है? आयु है टोपो सर, अमीमानंद टोपो। वो क्या कर रहे हैं? वो अभी 3 तारीख को हमको फ़ोन किए थे लास्ट कि बंगाल का ट्रेस चल रहा है, बंगाल जाएंगे, उसके बाद कुछ फ़ोन नहीं, कोई खबर नहीं, उसके बाद कुछ भी बात नहीं हुआ उनसे। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।